आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं तैयार हो गई हूँ और आज हमारी बाज़ार जाने की, मतलब रामपुर की मार्केट जाने की तैयारी है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आज रामपुर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाती हूँ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अभी बाज़ार की ओर चलते हैं। तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज बढ़िया से मौसम है, मतलब धूप आज नहीं है, बादल है और बढ़िया ठंडा ठंडा आज मौसम है। तो अभी सुबह ही बाज़ार चले जाते हैं तो जो भी काम है वो निपटा के आ जाते हैं। और बाहर का मौसम आज आपको मैं बाहर का आपको भी दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह बाहर कुछ इस तरह का है, देखिए मौसम, मतलब काफ़ी ज़्यादा बादल है मौसम में, देखिए इधर साइड, बाकी बढ़िया से खूबसूरत दिख रहा है। चौक, यहाँ से मुझे नीचे को जाना है। और वहाँ पे देखिए ये है सतलुज नदी। तो आजकल सतलुज नदी में काफ़ी कम पानी है और तो अभी मुझे पुल होके पार को जाना है। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं अभी पुल के ऊपर और ये ब्रो और रामपुर को जोड़ने वाला ये पुल है। और देखिए सामने बिल्कुल सतलुज नदी यहाँ से बढ़िया दिख रही है। पूरा सतलुज आजकल ना बहुत कम पानी है, नहीं तो वैसे ही आसपास के जो पत्थर है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आर पार तक बिल्कुल फुल होता था पानी से। तो इस पुल क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो अभी तक मैं पार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में थी और ये पुल क्रॉस करने के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ जाते हैं हम। रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तो बाकी कुछ देखिए मौसम बहुत बढ़िया है अभी, ज़्यादा मतलब धूप बिल्कुल नहीं है तो काफ़ी अच्छा है चलने के लिए भी, नहीं तो रामपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो इस टाइम बहुत बढ़िया है। तो मेरे पति देव जी मेरे साथ हैं, वो थोड़ा आगे चले गए थे। और देखिए खूबसूरत है इधर भी, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले हुए बढ़िया से। और बाकी इस टाइम ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बढ़िया से शांत माहौल है। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वहाँ पे ब्रो है और उन्हीं बिल्डिंगों के बीच एक हमारा घर भी है। और बाकी देखिए सतलुज नदी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा शांत है और तो अभी यहाँ से शुरू होता है जो रामपुर का गर्ल्स स्कूल है, वहाँ से यहाँ से कैंपस शुरू हो जाता है गर्ल्स स्कूल। ये सामने बिल्डिंग गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है रामपुर का एरिया, सतलुज के किनारे बसा ये जो मार्केट है बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से अब गर्ल्स स्कूल का जो कैंपस है शुरू हो जाता है। और इधर साइड देखिए चादरें लगी है,
स्कूल कैंपस में। और बाकी स्कूल के बिल्कुल पीछे को देखिए कितना सारा खूब हरियाली है, बढ़िया पेड़ पौधे हैं। इधर साइड देखिए ऊपर को बिल्कुल हरा भरा है। और यहाँ से गेट है, तो अभी भी स्कूल का कैंपस ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ जाके कैंपस ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे मार्केट शुरू हो जाती है। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं NH 5 में। और पीछे को इधर साइड बॉयज़ स्कूल है। अभी हम यहाँ पे फीस जमा करने आए थे और बाकी इधर साइड है LIC ऑफिस। और अभी LIC जमा करने के बाद, और ये पूरा ऑफिस LIC का ऑफिस है। और सामने देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मंदिर है। तो अभी हम यहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। तो नज़दीक से मैं आपको ये मंदिर प्रांगण का एरिया जो है इतना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बहुत पुराना मंदिर है, देखिए पूरा इसमें ना जो पत्थर की कलाकारी करी गई है। ये मंदिर ना इस बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच है, तभी यहाँ पे ज़्यादातर लोग दर्शन के लिए नहीं आ पाते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है, देखिए मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत पुराना मंदिर है। और इधर साइड है पूरा यहाँ पे ऑफिस के एरिया है। और इधर साइड को भी ऑफिस का एरिया है। वहाँ पे आए हम, ये है रघुनाथ जी का मंदिर। देखिए वहाँ पे अभी तो गेट बंद है और अंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं रघुनाथ जी की। और साथ में देखिए बहुत ही खूबसूरत इसमें पत्थर में नक्काशी की गई है। और इधर साइड भी, और यहाँ पे हनुमान जी। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। यहाँ पे जब भी आप रामपुर आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे रघुनाथ जी के दर्शन कीजिए। काफ़ी सुंदर है। देखिए इधर साइड भी बहुत सारी देखिए मूर्तियाँ हैं गणेश जी की, हनुमान जी की, और भी देवी देवताओं की। इधर साइड बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और चारों ओर से देखिए पूरा इधर साइड भी बिल्कुल पत्थर की निकासी करी गई है पूरे में। देखिए यहाँ पे तो अभी तो मंदिर का गेट फिलहाल बंद है। इधर साइड मंदिर की ये बैक साइड है और काफ़ी बढ़िया देखिए खूबसूरत है। और यहाँ पे हवन कुंड लगाया है। इधर से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मंदिर में आके ना बहुत शांति, मतलब बिल्कुल शांति होती है, मन को बिल्कुल सुकून मिलता है मंदिर में आके। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। मैं पहले एक बार यहाँ आई थी, तो अभी मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, क्योंकि यहाँ भीड़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल बिल्डिंग के बीचों बीच ये मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों का आना रहता है।
तो अभी यहाँ से चलते हैं और पति देव जी भी वहाँ पर चले गए। देखिए भाई, ये है रामपुर की सब्जी मार्केट। तेरा भला है तो तेरा भला, तो तेरा तो मेरा सौ बना है तो भी सब्जी मार्केट से आगे आ चुके भी मार्केट है ये रामपुर की, मतलब ये मेन मार्केट तो नहीं है। तो अभी हमने आगे मेन मार्केट जाना है। देखिए भी डॉगी मस्त करके बैठा है। तो ये रास्ता मेन मार्केट के लिए निकलता है। तो ये है रामपुर की फेमस स्वीट शॉप शर्मा स्वीट, और यहाँ से हम अभी थोड़ा स्वीट लेंगे। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी फिर साइड। तो अभी जाएंगे हम यहाँ पे रामपुर की जो बहुत पुरानी शॉप है जीवाराम की शॉप, वहाँ पे सामान लेंगे। तो ये वाली शॉप है। नहीं चलो ठीक है। क्या डाल दी? चाय पत्ती है। अपना डब्बा है वहाँ पर? हाँ डब्बा तो है। और ये रह गया साबुन, रह गया सर पर साबुन डाल दो। ये 50 रुपये ले गए कुछ पेस्ट चाहिए अभी मार्केट से हम घर वापस जा रहे हैं। तो हमारा जो मार्केट में काम था वो हो गया है और सामान भी लेके आ गए। तो अभी ब्रो की ओर चलते हैं। तो इस टाइम देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, तो चलने के लिए काफ़ी बढ़िया है। और पार देखिए ब्रो साइड का, जो साइड ब्रो का एरिया दिख रहा है आपको, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सतलुज नदी का तो कहने ही कुछ और है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सतलुज। बढ़िया से वहाँ पे पुल भी दिख रहा है। और फिलहाल तो हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में हैं और 5 मिनट बाद हम पहुँच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो बस एक पुल का ही गैप है, पुल के आर नदी का गैप। तो देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
आजकल पानी भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है, तो आसपास के जो भी पत्थर है ना आजकल सारे दिख रहे हैं, तो कुछ टाइम पहले कुछ भी नहीं दिखता था। नहीं, और उधर साइड को है रोपू, वहाँ पे रोपू बोलते हैं। और तो वहाँ भी देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और बादल भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी धूप बढ़िया मतलब हल्की फुल्की बढ़िया से खिली हुई है। और बाकी देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा लगता है हरा भरा जो है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही शानदार। तो आजकल पहाड़ों की जो सीनरी है देखने लायक होती है, पहाड़ों के जो व्यूज़ है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। देखिए भाई नदी के किनारे जो बसा है ये हमारा ब्रो, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और बाकी उधर साइड छोटे छोटे वहाँ पे उधर की साइड जो वहाँ पे आप वहाँ बहुत आगे देख रहे हो, वहाँ पे गांव है। तो बाकी पतिदेव जी बहुत आगे पहुँच चुके हैं, मुझे भी थोड़ा फास्ट चलना होगा। और इधर रोड की साइड बिल्कुल रेलिंग लगी है बढ़िया से। तो सुबह हम 9:30 बजे आ चुके थे मार्केट, क्योंकि रामपुर में 8:30 बजे मार्केट खुल जाती है, तो हम 9:30 बजे पहुंच चुके थे। और अभी 12 बजे हैं, तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं, और बाकी लोग देखिए अभी मार्केट की ओर जा रहे हैं। तो दिन को ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसीलिए हम सुबह ही सुबह आ गए थे। अभी हम घर वापसी के लिए फिर से पुल पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम पूरा जो रामपुर की मार्केट है ना पूरी मार्केट नहीं घूम पाए हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा काम नहीं था उतना, तो हम थोड़ा बहुत हमने जो सामान लेना था लेके आ गए। तो अगली बार जब मैं बाज़ार आऊँगी रामपुर मार्केट आऊँगी, तो मैं आपको पूरे मार्केट के मतलब इसमें पूरी मार्केट दिखाऊँगी आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी बाज़ार से हम घर पहुंच चुके हैं, और इतना सारा ये सामान लेके आ गए हम। और बाकी अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, चलते चलते धूप लगी थी पर अभी इस टाइम मौसम भी ख़राब हो चुका है, और कुछ टाइम में बस शायद बारिश होने वाली है। अभी मैं आपको बाहर मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए भाई काफ़ी ऊपर ऊपर ना काफ़ी नीचे तक देखिए वहाँ पे बादल आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा उधर साइड देखिए वहाँ पे बादल, बहुत ज़्यादा बादल हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज की वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए हमें, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, शायद हम अभी 1-2 दिन बाद रामपुर का जो एरिया है थोड़ा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और तो कि आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।